दोस्तों आज बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत स्कीम के विषय में। मैं उन लोगों की बात करने वाला हूं जिनका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है, कैसे वो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आज की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि आयुष्मान कार्ड का लिस्ट में नाम कैसे देखें और कैसे आप उसे जनसेवा केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के कमेंट है कि सर मेरा आयुष्मान भारत स्कीम में नाम नहीं जोड़ा गया है, तो क्या मैं आयुष्मान कार्ड बनवा सकता हूँ या मैं अपना नाम कैसे जोड़ सकता हूँ आयुष्मान कार्ड स्कीम में। तो उसी बारे हम चर्चा करेंगे, क्या नाम जोड़ा जा सकता है, यदि जोड़ा जा सकता है तो क्या क्या ऑप्शन है जोड़ने के, और नहीं जोड़ा जा सकता है तो क्या क्या ऑप्शन ये है कि जिनके नाम नहीं है उनको भी ऐड कराया जाए। हालांकि सरकार ने उन लोगों के नाम ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे घर में आपका नाम है, आपके हेड ऑफ फैमिली का नाम है लेकिन उनके बच्चों का नाम नहीं ऐड है, या उनके घर में बाद में किसी की शादी हुई है तो जाहिर सी बात वो नया बंदा होगा, उनके भी नाम नहीं होंगे। तो सरकार ने उसको तो सॉल्व कर दिया है कि अगर कोई नया बंदा आता है, किसी का जन्म होता है आपके घर में, तो अगर मुखिया का नाम ऑलरेडी है तो जो नया मेम्बर है उसका भी नाम आप ऐड करा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, बात ख़त्म होती है कि किसी भी व्यक्ति का आपके घर में नाम नहीं है, मतलब कि आयुष्मान कार्ड स्कीम में आपका बिल्कुल कहीं पर भी नाम नहीं है, उसे कैसे ऐड करना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप कैसे उसे जुड़वा सकते हैं, उसका प्रोसीजर आज हम बताएंगे। तो वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो बने जुड़ो लगातार, मैं हूँ पंच आकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो पूरे डिटेल जानने के लिए चलूँगा मैं आयुष्मान भारत स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे आपको सारी जानकारी मैं दे सकूँ। तो जैसे आप अपने पोर्टल पर आते हैं और आयुष्मान कार्ड लिखते हैं तो पहला ही वेबसाइट देखिएगा, यहाँ पर wish.pmg.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक और आपको वेबसाइट मिलती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यहाँ से डिटेल आपको मिलता है आयुष्मान कार्ड स्कीम के विषय में। तो मैं यहाँ पर अगर आप पूरी वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पर कहीं कोई ऐसा ऑप्शन सरकार ने नहीं दिया है जिसे आप ऑनलाइन करके नया नाम ऐड कर सकें, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपका उनमें नाम है तो आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। सरकार ने इस वेबसाइट पर कहीं भी ऐसा कोई भी चीज़, मैंने यहाँ पर जो इसका टोल फ्री नंबर है 1455 यहाँ पर कॉल करके भी पता किया क्या नए मेंबर्स का और आयुष्मान स्कीम में नाम जोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने ये बोला कि कुछ क्राइटेरिया रखे गए आयुष्मान कार्ड में जोड़ने के लिए, अगर आप उन स्कीम्स के तहत लाभ ले रहे हैं सरकार से तो आप आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन किसी भी प्रकार का यहाँ मेथड नहीं है, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कैसे आप आयुष्मान कार्ड जुड़वा सकते हैं नाम, तो वो पूरा डिटेल आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों सरकार ने जो पीएसएससी को ऑथराइज किया है पीएमजी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्य करने के लिए, तो अगर सीएससी के पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं जैसा कि, तो वहां पर अगर आप पीएमजीवाई स्कीम सिलेक्ट करें तो यहां पर इतने लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं जो कि ऑफिशियल सरकार ने अनाउंस किया है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं था, आपके पास अंत्योदय कार्ड है जैसा कि देखिए यहाँ पर डिफाइन किया गया, ये सारे वहाँ पर ऑप्शन आते हैं नाम जोड़ने के लिए कि इन लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है तो आप आयुष्मान कार्ड में अपना नया नाम ऐड करवा सकते हैं। वहीं बात करें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर BOCW, उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों एक अपने वर्कर के लिए, मजदूरों के लिए बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर एक लेबर कार्ड बनता है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपका वो वाला लेबर कार्ड बना है तब भी आप यहाँ पर नाम जुड़वा सकते हैं। मोबाइल फोन से भी ऐड करने का ऑप्शन आता है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत अगर आप लाभ ले रहे हैं तब भी आप इसका नाम जुड़वा सकते हैं। मैं बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का, अगर आप लाभ ले रहे हैं उसके लाभार्थी हैं तब भी आप इस स्कीम में लाभ ले सकते हैं। वहीं अगर आप राशन कार्ड होल्डर हैं, जैसे कि जो गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड बनते हैं उनके होल्डर हैं, तब भी आप यहां पर नया नाम ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आप चाहते हैं इसके अलावा कैसे नाम ऐड हो, इस पर अगर आपका नाम नहीं है तो क्या सरकार ने निर्देश दिए हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ और गाइड कर।
दोस्तों सरकार ने ऐसा कोई भी मेथड अभी तक लॉन्च नहीं किया है कि आप डायरेक्ट अपना नाम ऐड कर सके। हाँ, ये स्कीम गरीबों के लिए है, तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो मैं आपको एक मेथड बता सकता हूँ कि आयुष्मान कार्ड में नाम कैसे जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन मेथड नहीं, आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा, लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। मेरे 2 से 3 लोग ऐसे हैं जानने वालों जिन्होंने बाद में आयुष्मान कार्ड बनवाए। उसका मेथड ये है कि आपको अपने CMO ऑफिस जाना पड़ेगा, जो आपके CMO होते हैं, जो आपको अपने जिले लेवल पर ऑफिस होता है उनका वहां पर जाकर कांटेक्ट करना होगा। सबसे पहले अपने ग्राम प्रधान से आपको एक एप्लीकेशन लिखवानी होगी, इस पे लिखवाना होगा कि आप बहुत ही गरीब तबके की व्यक्ति हैं, आपको आयुष्मान कार्ड की सख्त आवश्यकता है, आपको गंभीर बीमारी है। इसके बाद आपको CMO के पास जाना होगा, CMO आपको ऑथराइज करेंगे, उन्हीं के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आयुष्मान कार्ड स्कीम में या स्टेट लेवल की कोई भी ऐसी स्कीम, हेल्थ स्कीम चल रही है जिसमें सरकार फ्री में इलाज करवाती है, तो आपको उससे जोड़ा जा सकता है। और कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप ऑनलाइन जोड़ने का मेथड हो, हालांकि रिक्वेस्ट डालने का एक मेथड, बट वो रिजेक्ट हो जाता है। मैंने कई लोगों की रिक्वेस्ट डाली थी ग्रीवेंस पोर्टल से, बट वहां पर ऐसा नहीं होता, लोगों के नाम नहीं ऐड किए जा रहे हैं। तो जो आपके डाउट थे, फिर भी अगर आपको वो डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ कि कोई भी ऑनलाइन मेथड नहीं है जिससे नाम जोड़ा जा सके। आपको लिस्ट में नाम देखना होगा, अगर आपका लिस्ट में नाम देखना आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपको आयुष्मान कार्ड स्कीम या भारत का जो लाभ है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक से जरूर कर दो, कोई भी डाउट है तो मैंने चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपका और भी किसी से रिलेटेड डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।